हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा फेशियल। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या एक्ने पिंपल्स के कारण जो स्पॉट्स हो जाते हैं वो इसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। लेकिन इस फेशियल का यूज़ वीक में एक बार ज़रूर करना है। अगर आप इस फेशियल का यूज़ वीक में दो बार करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं इस फेशियल को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है और इस फेशियल के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आलू लेना है और इसे अच्छी तरह से छील लेना है। इसे छील लेने के बाद हमें क्लीन वाटर की हेल्प से वॉश करना है, क्योंकि आलू में जितना भी डर्ट होता है वो सब रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमें आलू को कद्दू क्रश करना है, और अगर आप चाहते हैं तो इसे मिक्सर की हेल्प से भी क्रश कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्लीन सा कपड़ा लेना है और जो हमने क्रश किया हुआ आलू है उसको डालना है, और इसका जूस हमें एक बाउल में निकालना है। तो ये हमारा जूस रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे फेशियल। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लिंजर। क्लिंजर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच आलू का जूस और 1 चम्मच रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा क्लिंजर बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। मैंने कॉटन लिया है, अब उसकी हेल्प में पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी। इससे फेस पर जितना डर्ट होगा वो सब रिमूव हो जाएगा और फेस क्लीन लगेगा। इससे आपको पूरे फेस पर नेक पर अप्लाई करना है, और ये अप्लाई करने के बाद आपको नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएट। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर और 2 चम्मच आलू का जूस, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा स्क्रब रेडी हो गया है, और अब हम इसे अप्लाई करेंगे। इसको अब हम पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। आलू में बहुत गुणकारी तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आलू में स्टार्च होता है जो हमारी डल स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन सी जो हमारे डार्क स्पॉट होते हैं उसको दूर करने में हेल्प करता है, और ये हमारी स्किन पर एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। 3 से 4 मिनट तक हम मसाज करेंगे हल्के हल्के हाथ से, और मसाज के बाद हम इसे नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे टोनर। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच आलू का जूस, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1/2 लेमन हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको एक स्प्रे बॉटल में निकाल लेंगे, और ये जो है 1 वीक के लिए बनके रेडी हो गया है। आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, तो इसे अप्लाई करने से पहले इसको अच्छी तरह से शेक कर ले, ताकि जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, और आप इस तरह स्प्रे करें और इसे सूखने का वेट करें। अब हम बनाएंगे फेशियल मसाज क्रीम। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच आलू का जूस, 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 चम्मच ग्लिसरीन। अगर आप एलोवेरा जेल की जगह कोई भी क्रीम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा क्रीम रेडी हो गया है, अब हम इसे अप्लाई करेंगे। फेशियल में ये वाला जो स्टेप होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप ये स्टेप अच्छी तरह से फॉलो करें, और आप इस क्रीम की हेल्प से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ग्लिसरीन को स्किप करें, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ग्लिसरीन आपके लिए बेनिफिशियल है, और आप इसको 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट वाला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 2 चम्मच आलू का जूस और थोड़ी सी हल्दी। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हमारा फेस पैक रेडी हो गया है। हम इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो फेशियल है वो फेशियल ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और आपको इसको वीक में एक बार ज़रूर फॉलो करना है। और आप वीक में इसको 2 बार फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं।
जैसे फेस पैक को हम पूरे फेस पर लगाएंगे, और जो स्टार्टिंग में हमने क्लिंजर बनाया था उसमें कॉटन को डिप करके हम अपनी आइस के ऊपर रखेंगे। इससे जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है वो दूर होगी, और 15 मिनट बाद ये अच्छे से सूख जाएगा, तो हम इसे नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश कर लें। तो ये जो हमारा फेशियल है वो कम्प्लीट हो चुका है, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो।